हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की रेसिपी है स्टफ्ड अचारी करेला, बट ये मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। ये मैंने नमक में पकाया है और इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है। तो वीडियो एंड तक देखिए और इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को सीखिए। तो चलिए आइए बनाते हैं स्टफ्ड अचारी करेला। तो यहाँ पर हम ले लेंगे करेलास और इसको कुछ इस तरह से हम पीलर की हेल्प से या फिर आप नाइफ की हेल्प से भी ऊपर से अब हम पील करेंगे। जब आप पील कर रहे हैं ये ध्यान रखिए कि सॉफ्ट हैंड से करिए, हमें इसे अच्छे से नहीं पील करना, जस्ट इसके जो हल्का सा ऊपर लाइक ऊबर खाबर जो इसके एजेस रहते हैं उनको ही निकालना है। तो कुछ इस तरह से आपको इनको पील करना है, क्योंकि छिलके में ही इसके मेन जो विटामिंस रहते हैं सब्जियों के छिलकों में ही होते हैं। तो ये देखिए अब सारे यहाँ पर करेले पील हो गए और मैंने इनको पानी से वॉश कर लिया था। और अब आप इन्हें बीच में कट करेंगे और जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा रहता है, बीज रहते हैं अंदर, और अगर आपके करेले कच्चे हैं तो वाइट वाइट पार्ट होता है उसको भी आप निकाल दीजिए। तो हमें एक कैविटी बनानी है, एक एक करके सारे करेलों को आप अंदर से क्लीन कर दीजिए, बीच में से कट करिए और कुछ इस तरह से हाथ की हेल्प से ये ईजिली निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर करेले अच्छे से बीच में से कट चुके हैं और अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नमक डाला है इन पर और नमक को आपने ऊपर से रब कर देना है। और अब इसको आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं, तो मसाले के लिए 3 प्याज 3 हरी मिर्ची लहसुन और अदरक ले लिया है। इनको अब हम ग्राइंड करेंगे, तो एक ग्राइंडर ले लीजिए और उसमें आप ये मसाला ग्राइंड करिए। और ध्यान रखिए जब आप ग्राइंड कर रहे हैं तो आपको इसे कोर्सली ही ग्राइंड करना है, दरदरा पीसना है, पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है आपको। इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से मसाला भुन जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बैच निकाल लिया। अब सेकेंड टाइम भी मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ, ग्राइंडर छोटा था तो इसलिए मैंने 2 बैचेस में इसको ग्राइंड किया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो ये मसाला है मैंने किस तरह से इसको ग्राइंड किया है, आपको भी कुछ इस तरह से ही इसको ग्राइंड करना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक पैन ले रही हूँ, यहाँ पर मैं मसाला नहीं भूनूंगी। आप देखिए मैं क्या करने लगी हूँ। यहाँ पर मैं करेलों को हल्के से ऑयल में 1/2 चम्मच ही उबाल लिया है। तो पहले हम करेलों को सेक लेंगे, एक तरफ एक पैन में करेलों को सेकी और दूसरी तरफ हम मसाले की तैयारी करेंगे। बीच बीच में इनको टर्न करते रहिए, इससे हमारा कुकिंग टाइम बच जाता है और करेले भी झटपट बन जाते हैं। तो चलिए आइए अब हम दूसरी तरफ मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल। और सरसों के तेल को जब आप डालते हैं तो आपको उसको थोड़ा सा जलाना पड़ता है, जब धुआं निकलता है तभी उसमें आप अगला जो भी आप पका रहे हैं वो डालिए। तो यहाँ पर जो हमने अनियन जिंजर गार्लिक को ग्राइंड किया था वो अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। तो अब मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे और दूसरी तरफ ये करेले हैं इनको भी हम टर्न कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको इनको लो फ्लेम में ही पकाना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी ना पकाइए, अदरवाइज करेले जल जाएंगे और पकेंगे नहीं, क्योंकि करेलों की जो आउटर कवर होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो हमें उन्हें स्लो फ्लेम में ही पकाना है। तो आपके करेले कुछ इस तरह से हो गए हैं और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, इससे आपका काफ़ी कुकिंग टाइम बचता है। मसाला भी ऑलमोस्ट डन है, स्लो फ्लेम में ही मसाले को भी पकाइए, अच्छे से भूनिए, क्योंकि अनियन अगर कच्चा रह जाएगा, मसाला अगर कच्चा रह जाएगा तो कोई भी टेस्ट नहीं अच्छा आता करेलों में। तो अब मैं यहाँ पर अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं अचारी मसाला डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसको अच्छे से आप मिक्स करिए। अचारी मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अचारी मसाले की रेसिपी ऑलरेडी डली है, आप मेरे आई बटन में भी ऊपर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी अचारी मसाले की रेसिपी ले सकते हैं। थोड़ा सा और नमक ऐड कर रही हूँ, अचारी मसाले में ऑलरेडी नमक था तो थोड़ा नमक ही डलेगा। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, तो आइए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। मसाला अच्छे से भुन गया है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, आपको इसको लाइट गोल्डन कलर लाना है और ये बिल्कुल रेडी है फिल करने के लिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बारी आ गई है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आम का अचार, ये होममेड आम का अचार है, आप चाहे रेडीमेड भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अचारी स्टफ्ड मसाला है तो क्यों ना अचार डले, तो ट्राई करके देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब करेलों में अब ये जो मसाला है बिल्कुल रेडी है, इसको हम फिल कर रहे हैं, एक एक करके सारे करेलों में अच्छे से इस मसाले को फिल करिए। मसाले को जब आप फिल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप इसको अच्छे से स्टफ़ करिए, क्योंकि करेले में अगर अच्छे से स्टफिंग होगी तभी उसका मज़ा आता है।
तो अब यहाँ पर सारे करेले फिल हो गए हैं और मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा अचारी मसाला। ट्राई करके देखिए, इस वजह से बहुत ही टेस्टी लगता है और मज़ेदार बनता है। तो आइए आप करेलों को फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है और साथ में ऐड कर रही हूँ नमक। जी हाँ, नमक में पकाना है हमें करेलों को। और फ्रेंड्स, नमक में डालने, अगर आप नमक डाल रहे हैं सरसों के तेल में, इससे जो करेले हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जो इसकी आउटर लेयर है करेलों की, उसमें भी नमक अच्छे से आ जाता है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से पकाते हैं तो बिल्कुल जो आउटर लेयर है वो फीकी फीकी लगती है। कई बार ट्राई करके देखिए, ये ट्रिक बहुत ही काम की है और बहुत ही मज़ेदार करेले बनते हैं। तो आइए टर्न करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है करेलों का। करेले को आपको अच्छे से पकाना है, तभी उनका टेस्ट अच्छा आता है। और नमक में पके हैं तो इसका कलर देखिए और इसकी क्रिस्पनेस देखिए। थोड़ी देर अब मैं ढक के पकाऊंगी दूसरी साइड से। और अब देखिए, मैंने ढक्कन हटा दिया है और 5 मिनट्स इसका कुकिंग टाइम था दूसरी साइड से। और यहाँ पर अब मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। बिल्कुल रेडी है ये करेले सर्विंग के लिए। फ्रेंड्स, कुकिंग टाइम भी बहुत कम लगता है इसका, क्योंकि जो हमने करेले पहले पका लिए थे उससे काफ़ी टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। और आई होप फ्रेंड्स, जो ये चटपटे अचारी स्टफ्ड करेले हैं आपको पसंद आए हों। ट्राई करके देखिए इस वे से और इनका मज़ा लीजिए। एंड लास्ट में फिर से वही कहूँगी, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।